हाई एवरीवन, अगर आप भी जून के मंथ में यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं बिग एफ्ट यहाँ पे हायरिंग अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि स्टार्टिंग जून में आने वाली है और इन कंपनियों में काफ़ी बल्क में इसमें हायरिंग ऑन होने वाली है। गाइस, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अपना कैरियर एक मल्टीनेशनल या डोमेस्टिक कंपनी में आप बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं टोटली बताने वाला हूँ कि अपकमिंग जो भी यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है उनकी सारे अपडेट्स मैं आपको जो शेयर करता रहूँगा डे बाय डे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिस ना हो। गाइस, सबसे पहले कंपनी की यहाँ पे बात करें तो ई एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पे बैकएंड प्रोसेस के लिए यहाँ पे हायरिंग ऑन होने वाली है। और गाइस, जैसे ही यहाँ पे डायरेक्टर इंटरव्यू होने वाले हैं और इंटरव्यू अगर स्टार्ट होते हैं तो आपको अपडेट देने वाला हूँ। और गाइस, ई एक्सेल की बात करें तो बेसिकली अगर आप वर्चुअली घर बैठे बैठे भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मैं पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही इनका अपडेट आता है मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो के माध्यम से आपको जो अपडेट देता रहूँगा। गाइस, और EXL की बात करें तो टोटली एक मल्टीनेशनल कंपनी पर रन करती है जिसमें मल्टीपल ब्लेंडेड प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्राइटेरिया इनका आधा रहेगा मैं आपको यह अपडेट देता रहूँगा। गाइस, और गाइस सेकंड कंपनी की बात करें यहाँ पर SCL प्राइवेट लिमिटेड। SCL में काफ़ी टाइम से यहाँ पर वैकेंसी नहीं आई है लेकिन जून के स्टार्टिंग महीने में यहाँ पर भी बल्क में इसमें हायरिंग ऑन होने वाली है फॉर इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस। गाइस, इसमें टोटली आपकी जो है मल्टीनेशनल कंपनी पर रन करती है, टोटली ये जो है US शिफ्ट पर ही रन करती है और इसके जो प्रोसेस मोस्टली देखने को मिलते हैं वो इंटरनेशनल प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं SCL टेक में अपना जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो जैसे ही इनके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है तो मैं एज सून एज पॉसिबल आपको अपडेट देने वाला हूं जून के स्टार्टिंग वीक में। गाइस, और गाइस कंपनी नंबर थर्ड की बात करें यहां पे बार्कलेस में भी एक टोटली एक मल्टीनेशनल कंपनी पर रन करती है जिसमें भी हायरिंग चलते रहती है और जून के मंथ में भी यहां पे काफी बल्क में इसमें हायरिंग होने वाली है। और गाइस, काफी इंटरेस्टिंग यहां वैकेंसी, अगर यहां पर आपको कैरियर आपको काफी शार्प को मिल जाता है, अगर यहाँ पर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मल्टीपल यहाँ पर इंसेंटिव भी आपको देखने को मिल जाता है, एक वर्क एनवायरनमेंट आपको एक कंफर्टेबल जोन में मिलता है, काफी अमेजिंग देखने को मिल जाता है, पर्क्स एंड बेनिफिट आपको काफी अमेजिंग देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट जो कंपनी की बात है वो है Amazon में जो है वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। और गाइस, जून के फर्स्ट वीक में काफी बल्क में इसमें हायरिंग ऑन होने वाली है। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है Amazon के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहा है काफी टाइम से, तो आप इस जॉब को अप्लाई करना ना भूलें। और जैसे ही इनके द्वारा कोई लिंक आता है, कोई मुझे नोटिफिकेशन थ्रू मुझे जानकारी पड़ती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे कि आप अप्लाई करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा जो भी अपकमिंग जो वैकेंसी है उसके लिए आप वेल प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि गाइस आप डिपेंड ना रहिए कि यार मुझे किसी का रेफरेंस मिल जाएगा तभी मैं ज्वाइन करूँगा कोई मल्टीनेशनल कंपनी में तभी मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप खुद ब खुद वो एक्सपीरियंस कीजिए, आप खुद ब खुद इंटरव्यू दीजिए, नए नए स्किल्स आप डेवलप कीजिए, फ्लुएंसी आप लाइए। फ्लुएंसी कैसे आएगी, जब लोगों से आप बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे, बैक टू बैक इंटरव्यू देंगे, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिस पे जो भी क्वेश्चन में आप हेजिटेट रुक रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप फोकस कीजिए, मैं किन किन टाइप से इनका आंसर दे सकता हूँ और वो कौन सी चीज़ थी जहाँ पर मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, तो उस पर आप काम कीजिए। फीडबैक लीजिए HR से कि मेरी कहाँ पर कमी हो गई। HR भी आपको जो फीडबैक देता है जेन्युइन फीडबैक देता है जिससे कि आप अपने आगे का कैरियर यहाँ पर ब्राइट बना सकते हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से सक्सेस मिल जाएगी, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे हेजिटेशन यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे वो रिजेक्शन हमें जो है एक सक्सेस के रूप में दिखने लगती है तो इसे हमें घबराने को भी आवश्यकता नहीं, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। अगर आप कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको मोस्टली यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस मैंने भी कई चीज़ें जो है फेस की हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि वो चीज़ों से कैसे निकलना होता है। वो निकलना वैसे ही होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस पे जो भी हमें स्किल्स जहाँ पे हम अटक रहे हैं उस पे हम काम करें और उसको हम अपने जो है नेक्स्ट इंटरव्यू में ना दोहराएं। अगर आप हर बारी उसी क्वेश्चन पे अटक जाएंगे तभी आप जो है यहाँ पे अपना इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, रिजेक्शन से क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है नेक्स्ट वो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस, ये 4-5 कंपनी में और जैसे कि INJR हो गया, मल्टीपल यहाँ पे नोएडा की जितने भी यहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनी पे हायरिंग आने वाली है तो मैं आपको जो अपडेट देता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो मैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए जिससे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एक जॉब की नीड है उसकी एक जॉब यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। फिर इस वीडियो को बनाने का मेरा माध्यम यही था कि अपकमिंग जो भी यहाँ पे जून के मंथ में यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए वेल प्रिपेयर हो जाइए। वीडियो तो आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको वैकेंसीज की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन आप जो है वेल प्रिपेयर हो जाइए जिससे कि आप इजीली यहाँ पे इंटरव्यू ले सकते हैं और एक अच्छा प्रोफाइल में जॉब, एक सैलरी, एक अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। गाइस,
सो गाइस अगर आपको थोड़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा सकते हैं गाइस। सो मिलता हूँ मैं आपको एज सून एज पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।